और जो लोग जिन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं शरीयत में उनको इतना अहमियत कहाँ मिल देते कि बगैर टोपी की नमाज नहीं होती, जिसके बारे में कोई वईद नहीं है, वो लोगों को शर्म नहीं आती ये बोलते हुए कि टखनों से नीचे चल जाता है और वहाँ वो हीले निकालते हैं। जहाँ शरीयत ने पाबंद नहीं किया वहाँ पाबंदियाँ लगा दी, जहाँ पाबंद किया वहाँ हीले निकालते हैं हम लोग। है नहीं है ये हमारी फितरत, हीला नहीं निकालते हम, ये हीला है। क्यों वहाँ भी बोल दीजिए टोपी नहीं पहने तो क्या होता, कुफ्र है, ये है, वो है, नमाज नहीं होती, सब होता। टखने से नीचे लटका है तो होती कि नहीं बोला, तो फिर एकदम पूरे बत्तियाँ गुल हो जाते। एक मस्जिद में मैंने देखा वहाँ लिखा हुआ था बगैर टोपी की नमाज नहीं होती, तो मैंने जाके इमाम साहब से पूछा टखने से नीचे अगर पतलू नहीं तो नमाज होती है क्या, बगैर दाढ़ी की नमाज होती है क्या? तो जैसा टोपी आपने रख दी, दाढ़ियाँ भी नकली लगा दीजिए और पैंट ऊँची करने के लिए क्लिप्स भी लगा दीजिए कि पैंट भी ऊँची कर लो, नकली दाढ़ी भी लगा लो, जाके खड़े हो जाए नमाज के ऊपर। चूँकि जिस चीज़ के बारे में हदीस में है नहीं उस पर तो आप इतना ज़ोर दे रहे हैं। यकीनन मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ कि लोग हमेशा नंगे सर नमाज पढ़े, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ जहाँ नहीं है कुछ शरीयत हुक्म दे रही है इजाज़त है वहाँ तो रिस्ट्रिक्शंस है, और जहाँ रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ ही लेने नहीं तक पूरा। उस हज़रत अबू बकर लटकाते थे, चलो आओ इस वाक़े में सबीरु दुमू सबीरु।